फॉरेस्ट भर्ती घोटाले मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दरअसल वही मामले में पहले ही मुख्य आरोपी कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। रुड़की में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने बताया है कि 16 फरवरी को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और वहीं एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करवाने का आरोप लगाया था और उसके बाद मंगलौर कोतवाली में 2 कोचिंग संचालकों समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कितने पैसे में बात हुई थी आप? हमारी दोनों लोगों से सर 5 से 4 लाख के बीच में बात हुई थी कि वो हमारे से नकल कराने के बाद में पैसे देंगे मुकेश सर। अच्छा। और उन्होंने 2000 की थी बच्चों को और उसके थ्रो पेपर करा रहे थे। 21 तारीख हमने इसका मास्टर माइंड है उनका जो है हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा था मुकेश सैनी को। आज इनका दूसरा मुख्य सहयोगी जो है इस काम करने का जो शाहनवास है जो थोड़ा कल्याणपुर के रहने वाले हैं इनको गिरफ्तार करके जो है इनको हम जेल भेज रहे हैं। इनसे एक इस घटना में जो प्रयुक्त एक मोबाइल फोन नकल करने के लिए जो प्रयुक्त किया गया है उसको हमने बरामद किया है और इनसे पूछताछ करने में और लोगों को भी इसमें सम्मिलित होने का संभावना बन रही है और जो इनका जो भी माल बरामद है इसके आधार पर जो है आगे की योजना की कार्रवाई हम कर रहे हैं।